से मैंने ये बाइक लिया ना, मैं मैकेनिक बन चुका हूँ। मैकेनिक का कोर्स फ्री में करना चाहते हो, बाइक बाय कर लो। तो चोर है साले यार, मेरे से कंट्रोल नहीं हो। तुम्हारे कैमरामैन का एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, वो भावुक हो गए। तो हेलो व्हाट्सएप यूट्यूबर का इस वेलकम बैक न्यू एपिसोड। तो काफ़ी दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, आपको पता है 11-12 दिन हो चुके और अपने को टाइम मिला नहीं। आज टाइम मिला है तो आपके भाई ये बाइक ले गए हैं, पल्सर 180F। तो जो इनके ओनर, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उनसे थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे कि हाँ भी इसमें, इस बाइक में क्या खूबी है। तो जो इनके ओनर, प्लीज़ आइए। तो ये है वो अमृतपाल और इनके चैनल का नाम है पिक्सल बाइक है, यूट्यूब में प्लीज़ विजिट करना। तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए पहले। तो मेरा नाम अमृत पाल और मेरे चैनल का नाम है पिक्सल बाइक है। भैया अभी सिंह मत काटना है वाला, ठीक है? ठीक है। तो उसके बाद मोटो ब्लॉग सुनाता हूँ मैं इस बाइक के ऊपर और बात करते हैं बाइक की, बाइक की मैंने क्यों बाइक की। ठीक है, तो ये बाइक लॉन्च हुई थी 2019 फरवरी के मंथ में। मैंने इस बाइक की फोटो देख के मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली उस टाइम मैं कन्फ्यूज था कि पल्सर 150 ली जाए या 220 ली जाए, क्योंकि जो 180 थी ना उस टाइम पे उसकी लुक बिल्कुल 150 ऐसी थी, तो लॉजिक सा नहीं बनता था क्योंकि वो 150 ऐसी लुक थी और 220 बिल्कुल अलग लुक आती है, डिफरेंट लुक आती है। तो जो कंपनी ने लॉन्च की ना 180F, तो मुझे हुआ कि यार सही है बाइक की, 220 जितनी ओवर पावर भी नहीं है। 220 बहुत अच्छी बाइक है, बहुत पावर है, बट वो मैंने दोस्तों से सुना ना उसमें माइलेज का इशू आ रहा है, माइलेज की काफ़ी कम है क्योंकि 220cc है वो। तो मुझे हुआ कि 180cc है, माइलेज सही मिलेगी और जो लुक मिल रही है मुझे 220 की लुक मिल रही है, तो मुझे अपने हिसाब से बाइक बेस्ट लगी। और जब ये बाइक मैंने बाय की, ये मुझे पड़ी 1,02,000 ऑन रोड। अच्छा, 2019 में। तो आपने बाइक इसलिए खरीदी क्योंकि इसका जो लुक है वो सिमिलर है 220 से? दूसरी बात, माइलेज मिल रही थी मेरे को उससे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि 180cc का इंजन है, वो 220cc का लगभग अपना 40cc का फर्क पड़ रहा है और इकोनॉमिकल थोड़ी बहुत प्राइस से कम है। उस टाइम वो 1,15,000 की थी, ये मुझे लगभग 1,00,000 की पड़ गई थी। तो अब बात करें इसके इंजन की, तो इसके जो इंजन है तो ऑलमोस्ट उसको 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, हम इसके पावर के बारे में बात करेंगे क्योंकि नेट में तो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि जो इसका इंजन है आपको क्या पावर फीड होता है इसमें कि नहीं होता? एक्चुअली 180 के हिसाब से, 180 के हिसाब से ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में और भी आती थी इसके कॉम्पिटिटिव 150cc में, जैसे R15V3, अभी CVR भी लॉन्च होने वाली है और मतलब बहुत सारी बाइक्स है जो कि इसकी कॉम्पिटिटिव आ रही है, पर 180 होते हुए भी आपको लगता है इसमें पावर? एक्चुअली मैंने जब ये वाली बाइक खरीदी ना, उससे पहले मैंने किसी फ्रेंड की बाइक नहीं चलाई थी, जो आजकल अपना RTR 164 भी आ रही है वो मैंने नहीं चलाई थी। तो मैंने आजकल की जो 160cc की बाइक चलाई ना, इवन 150cc की, ये उनके बराबर की ही है। एक्चुअली जहाँ तक मेरा मानना है, ये इंजन थोड़ा पुराना टाइप का है जो शुरू से चलता आ रहा है, और जो मार्केट में नई नई बाइक सही है ना, उनमें क्या है, उनमें ऑयल कूलर आ गए हैं 160cc के अंदर, थोड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, बट ये बाइक थोड़ी कहाँ जीतती है, ये जीतती है फेयरिंग में। आपको इससे अच्छी अच्छी बाइकें मिल जाएंगी 160cc के अंदर, मतलब अगर आप इंजन क्वालिटी की बात करें या फीचर्स की बात करें, बट ये बाइक जीतती कहाँ पर है, ये जीतती है लुक्स के मामले में, फेयरिंग के मामले में, क्योंकि फेयरिंग का मेरा मेन मकसद तो फेयरिंग करके ली थी मैंने वाली बाइक। बट अगर आप कह रहे हो पावर के मामले में, तो पावर फ्रेंड सीरीज बताऊँ ना मैं आपको, तो ये 160cc के बराबर की पावर है, बहुत रो पावर नहीं है। आप कह नहीं सकते कि 180cc आप चलाओगे ना, आपको 160cc वाली बाइक को जितनी पावर लगेगी, कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब इसके बारे में दूसरी बात है, जो बाइक का मेन चीज़ होती है हैंडलिंग। तो सबकी बाइक की हैंडलिंग अलग अलग होती है, किसी को ऊपर होता है, किसी को नीचे। तो आपको इसकी हैंडलिंग कैसी लगी, क्या आप बताना चाहोगे? तो सबसे अच्छी बात है, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये बाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है, बट एक तरह से ना ये काफ़ी कम्फर्टेबल बाइक है। अगर आपको दिखाऊँ, देखो इसके ऊपर बैठता हूँ ना, अगर R15 की बात करते हो, वो काफ़ी अग्रेसिव है, वो बढ़िया रेसिंग के लिए, बट ये बजाज कंपनी की बाइक है। एक तरह से कह लो आप, ये हर जगह चलती है, आप गांव में जाओगे वहाँ ये बाइक चल रही है, पहाड़ों में जाओगे वहाँ चल रही है। तो सीधी सी बात है, ये बाइक हर जगह के लिए बनी है। अगर मैं सुपर बैठता तो मेरी पीढ़ी एकदम स्ट्रेट है, हाथों के ऊपर कोई वेट भी नहीं चल रहा। तो कंफर्ट के मामले में
हैंडलिंग के मामले में बहुत अच्छी बाइक है, मतलब कंफर्ट और हैंडलिंग बेस्ट। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है पिलियन राइडर की सीट, आप आजकल देख रहे हो स्पोर्ट बाइक के अंदर पिछली सीट बिल्कुल भी कंपनी काम नहीं करती, अग्रेसिव देती लुक के चक्कर में, वो भी जो अपनी जगह ठीक है, बट ये उनके लिए ठीक है जो लोग पिलियन के साथ राइड करते हैं। अब क्या क्या होता है, हमें किसी को बिठाना होता है, घर के किसी मेंबर को लेके जाना होता है, तो ज़्यादातर स्पोर्ट बाइक में पिछली सीट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं आ रही, बट जहाँ इसकी बात हो देखो कितनी बड़ी सीट है पिलियन की और काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप एज विद पिलियन राइड करते हो तो काफ़ी कंफर्ट है। कंफर्ट के मामले में मैं कहता हूँ पल्सर का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनियाँ स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, बाइक तो एग्रेसिव बना रही है, बट ये कंपनी ऐसी है ये कंफर्ट भी देख रही है, कंफर्ट भी देख रही है और पावर भी, पावर भी देख रही है, बराबर का रेशो रखा हुआ है। ओके, अब बात करिए इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो आजकल जो कंपनी है सारी कंपनियाँ डिजिटल में जा रही है, तो बाकी जो कंपनी के कंपेयर देखी जाए तो जो पल्सर है वो आज ही एनालॉग वाले दे रही है, आप देख सकते हैं एनालॉग वाले ये आरपीएम दे रही है, बाकी मीटर दे रही है, तो RS 200 में भी यही सीन है, तो आपको लगता है कि इसमें अपग्रेड होना चाहिए पल्सर को करना? एक्चुअली मेरा मानना तो है कि ये जो कंपनी है पुराना फीचर दे रही है, पुराना मीटर दे रही है, इसीलिए दे रही ताकि प्राइस ऊपर ना जाए, ज़्यादा मेरा मानना है प्राइस कट ऑफ करने के लिए, बट ठीक है आजकल लोगों को डिमांड बहुत है, लोगों को गियर पोजीशन इंडिकेटर चाहिए, अपना एवरेज मीटर चाहिए कि एवरेज कितनी आ रही है, काफ़ी कुछ फीचर चाहिए, टेम्परेचर का मीटर चाहिए, बहुत फीचर आ चुके हैं जिसमें बताएगा कि हाँ ये कहाँ इंडिकेटर जा रहा है, गेयर कौन सा है, तो आपको लगता है इसमें अब अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद भी अभी भी कोई अपग्रेड नहीं आया मीटर। बाकी मेरा मानना तो यही बाइक ना अभी भी काफ़ी साल पीछे चल रही है, ज़रा से काफ़ी पीछे है, बाकी कंपनी से तो अच्छी बात है, लोगों को फायदा होगा, नए फीचर मिलेंगे। पहले आपकी अभी आपकी बाइक कार्बोरेटर, पहले कार्बोरेटर आते थे ना, पहले कार्बोरेटर आते थे, इसमें बाद में VS6 में अब फ्यूल बन चुके हैं, फ्यूल इंजेक्शन है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ अच्छे फायदे भी हैं, अच्छे फायदे इसके ये हैं कि कार्बोरेटर को कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता है, पर फिनिशिंग का क्या है, वो कभी ख़राब हो गया ना तो उसको सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अंदर रिजर्व का भी पता चल जाता है कार्बोरेटर में, किसके अंदर कहाँ पर रिजर्व पड़ा है, पेट्रोल का हमें पता बैकअप रहता है, जबकि FI में क्या होता है जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं होता, एंड्रेन तक नहीं पहुँचता तब तक पता नहीं चलता, लाइट ब्लिंक करती है, तो दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान भी है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाली बाइक जो है ना आज की बाइकों के सामने फीचर्स में काफ़ी पीछे है, बट सीधी सी बात है जो बंदा पल्सर का लवर होगा वो ये बाइक खरीदेगा, चाहे उसको मना करेगा चाहे उसको मनाओ, ये बाइक तभी जीतती क्योंकि इसमें फेयरिंग मिल रही है, क्योंकि आजकल फेयरिंग वाली बाइकें बहुत कम है मार्केट में, काफ़ी ओवर प्राइस है, जैसे R15 है काफ़ी ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस चल जाती है टैक्स लग चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इसकी जो बाइक की लुक है वो एक बार घुमा के दिखा देते हैं, वॉक अराउंड दिखा देते हैं, सिमिलर ही है 220 जैसी, बस इसमें आपका जो एग्जॉस्ट है वो चेंज करा हुआ है, और बाकी टायर टू आप साइज देख सकते हो कि आगे जो है टायर है, टायर का साइज वो 19 और पीछे है 120, और बाकी देखने में बिल्कुल 220 जैसी है। अब बात करिए तो इसमें आप ये बताइए इसमें क्या क्या खामियाँ लगी आपको इन 2 साल में? एक्चुअली मैं अपनी किताब नहीं लेके आया, मैं किताब लिखी है मैंने, वो भी आधी कंप्लीट हुई है, आधी पढ़ी है, उसमें खामियां मैंने अच्छे से लिखी है, मतलब मैं जो मेजर प्रॉब्लम आती है इनमें तो वो बताइए। तो गाइस मैं फ्रेंकली बताऊंगा, अगर आप ये वाली बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ मैंने क्या क्या फील किया, पहले तो इसके बारे में बात करें कि आपको सर्विस में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मेनली जितने भी लोग हैं वो हमेशा आफ्टर सर्विस के बाद ही परेशान होते हैं, तो आप बताइए कि आपको जो पल्सर वाले उन्होंने आपको खुश करा कि नहीं किया आफ्टर सर्विस, किसी भी बात है? तो जो बजाज की आफ्टर सेल सर्विस है, जो सर्विस आपको मिलती है वो बिलो एवरेज है या बिलो पुअर ही कह लो आप, जब आप कंपनी में बाइक लेके जाओ आप उन्हें बताओ कि इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ आपको ऑयल चेंज करके काम निपटा के कपड़ा मार के पकड़ा देंगे, फिर वो कहते हैं आप अगली बार करा लेना, ये सब वो सब एक्सक्यूज़ वो देते हैं, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो? सेटिस्फाइड नहीं बिल्कुल भी। उनको प्रॉब्लम जानो कि यहाँ वाइब्रेशन आ रही है, साउंड आ रही है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, वो बस सर्विस का ऑयल चोर है साले यार, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम ये क्वेश्चन मत पूछा करो। तुम्हारे कैमरामैन का एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, वो भावुक हो गए थे क्योंकि वो खून खोल गया था, ठीक है, तो एक भाई दूसरे भाई की बात समझ रहा था, दिल की उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो इसकी आफ्टर सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक कस्टमर जो चाहता है अपनी कंपनी से
वो आपको नहीं मिल पाना। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी आदमी ये वाली बाइक खरीदेगा, 1 लाख कुछ कम तो है नहीं, नहीं अपनी सेविंग। और आज की डेट में तो थोड़ा ओवर प्राइस जो तो 1.30 की मिलेगी आपको, मिलेगी तो लोग जो पैसे खर्चेंगे उनकी हार्ड एंड मनी होगी। तो मैं नहीं चाहता किसी के पैसे वेस्ट जाएं। अगर वो याद दिला तो ले लेना, बाकी मैं मेरा मकसद है आपको जो मैंने फील किया वो बताना। सेकंड प्रॉब्लम इसके अंदर है इंजन की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें, इंजन और लीक करता है। आप अभी देख सकते हैं इंजन और लीक कर रहा है इसमें से, ठीक है। वो तो कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही, वो कहते हैं कि इसकी टुकती बोची दिख रहा है, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं पे बार बार नहीं करना चाहता, तो मैं हर बार नट टाइट करवा देता हूँ, मैं नहीं पे बार बार कर सकता। तो ऑयल लीक की प्रॉब्लम है, इंजन साउंड्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इंजन अलग अलग तरह के साउंड करता है। और आप जितने किलोमीटर कवर कर लोगे ना, मैंने अपनी बाइक को तो चला लिया 23,000 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली 2 साल के अंदर, और इसकी साउंड जो चेंज हुई है ना बहुत रफ है, कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी, मतलब दिल खुश नहीं होता बाइक चला के, ठीक है। तो ये जो कहने का मतलब है, जो आफ्टर सर्विस है ना, स्टार्टिंग में तो 3-4 महीने तो खुश होते हैं, जब आफ्टर सर्विस जो इनको प्रॉब्लम आती है पल्सर वालों को, तो उनसे परेशान है, मतलब कंपनी इनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाती, वो भी जड़ से ऊपरी ऊपरी काम करके इनको पकड़ा देती है। तो अब आपसे एक सवाल पूछिए, जो सारी दुनिया का सवाल होता है ऑलमोस्ट सारे, सबको ये परेशानी होती है इंडिया को खाकर, कि पल्सर के जो पार्ट्स हैं वो खड़क जाते हैं, तो आपके भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है? तो इसके अंदर मतलब जब भी आप टॉप एंड में ले जाते हैं तो कोई ना कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, आवाज़ करता है, तो आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? एक्चुअली क्या, जब ये मैंने बाइक ली थी ना, तो उसके अंदर फेयरिंग के अंदर काफ़ी सारी साउंड आती थी, तो उसका इलाज है। साउंड इसके अंदर आएगी, आप कंपनी में जाओगे ठीक करवाने, सॉल्यूशन वहाँ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन वहाँ मिलेगा कि आप आफ्टर मार्केट करो, लोकल मैकेनिक पकड़ो कोई, उससे बताओ कि भाई यहाँ यहाँ आवाज़ आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसके अंदर जो रबड़ होती है वो चीज़ कर सकते हैं, डबल सेट टेप लगा सकते हैं, तो अगर आपने डिटेल में बताओगे ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कंपनी में मैं गया था, मैंने कहा यहाँ साउंड की वजह आती है, मेरे दोस्त काफ़ी सारे इनका पल्सर है, पंकज भाई गया था तो उसकी बाइक में गैप पड़ गए थे, इसमें गैप पड़ गए हैं, तो इनके अंदर एक तो फिटनेस की दिक्कत है, बाइक किस तरह फिटिंग से नहीं मिलती, गैप्स पड़ जाते हैं, फेयरिंग के अंदर आवाज़ मिलती ही मिलती है। इसका इलाज तभी है अगर आप खुद डॉक्टर बन जाओ, आपको खुद को मैकेनिक बनना पड़ेगा। जब से मैंने ये बाइक लिया ना, मैं मैकेनिक बन चुका हूँ, मैकेनिक के पास जाता हूँ, कहता हूँ भैया ये कर दो वो कर दो, पूरे पार्ट्स की नॉलेज हो गया, मतलब आपको खुद करते करते सारी बात आ गई है, नॉलेज हो गई। अगर आप मैकेनिक का कोर्स फ्री में करना चाहते हो यार, बाइक बाय कर लो। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो आप उसके लिए सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे मुँह पे लगी रिटेनर, आप देख सकते हैं रिटेनर लगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अब ये बताइए इसके बाद मतलब कि आप किसी को रिकमेंड करो कि ये बाइक लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए, अगर वैल्यू के हिसाब से देखी जाए कि रिकमेंड करो कि आपको ये बाइक लेनी। अगर मेरा कोई दुश्मन लगता है पूछने वाली बाइक लूँ, मैं बोलूँगा भाई ले बाइक अच्छी है, ये मजाक अपनी जगह सही बताऊँगा। देखो इस बाइक में फैक्ट्री चीज़ अच्छी बनाती है, आफ्टर सेल सर्विस में आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, आपका मूड ख़राब होएगा, रोड पर चलने वाली मशीन होती है बाइक, सबकी बाइकों में दिक्कत आती है, बट जहाँ पर सॉल्व हो जाती है कंपनी से तो बंदा खुश होता है कि मेरी बाइक की प्रॉब्लम आती है ठीक होगी, बट इसमें कि आपको प्रॉब्लम को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, इसके अंदर इंजन की साउंड की दिक्कत है, रिफाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है। बाकी अगर आपका दिल है पल्सर ही खरीदनी है तो खरीद लेना, कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर अच्छी बात भी, अच्छी बात बताता हूँ वो क्या है ताकि वीडियो में क्लियर हो जाए सबको। अच्छी बात इसकी है, बजाज एक इंडिया की कंपनी है, इसके पार्ट्स आपको लोकल मार्केट में हर जगह मिल जाएंगे। इसी अगर ये बाइक हिमाचल में भी ख़राब होती है, कहीं पर भी मतलब कोई डाउन एरिया में भी, गाँव वगैरह में भी ख़राब होती है, पंजाब के गाँव में, तो वहाँ पर आपको इसके लोकल पार्ट मिल जाएंगे। अच्छी बात है बाइक के अंदर, मेरा मानना तो यह है कि बाइक जो है ना फैक्ट्री बहुत अच्छी बना के देती है, वैल्यू फॉर मनी बना के देती है अपनी तरफ से, रेट को कम करते करते, बट जो आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बजाज वाले बिल सर्विस सेंटर वाले बाद सुनते, मैंने कहा तो ये ठीक कर दो, नहीं करते ठीक है, चलो वो जो हो गया, मेरे इनसे कोई वो है नहीं, दुश्मन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह अच्छी, मैं अपनी जगह अच्छा हूँ। तो इसके अंदर इंजन की बहुत दिक्कतें हैं, कोई भी मेरा भाई ये वाली बाइक लेना चाहता है ना 180 है, तो और भी दोस्तों से पूछ ले अपने कि इस बाइक में दिक्कत है कि नहीं है, क्या पता ऐसा हो मेरी किस्मत माड़ी हो, ठीक है। बट जहाँ तक मैं 3-4 जनों को जानता हूँ ना, संजीत भाई को, पंकज भाई को, और भी मेरे 3-4 दोस्त हैं दिल्ली के दोस्त हैं मेरे, सब ये परेशान प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम से। तो देखिए अगर आपको ये बाइक बाई करनी है
तो एक भाई ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेना कंपनी में जाके आराम से 10 बार सोचना, क्योंकि देखो जो इसके यूज़र है 2 साल के वो खुश तो कम हुए दुखी ज़्यादा हुए। मैं आपको ये बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसको मैं डिफेम करा या मुझे पर्सनली इससे कोई दुश्मनी है, मैं एक यूज़र की तरफ से ही बता रहा हूँ कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और दूसरी बात, अगर एक यूज़र खुद परेशान है तो वो दूसरों को भी क्या रिकमेंड करेगा इस बाइक को लेने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और डिफेम नहीं कर रहा मैं, पहली बार इस बाइक को मैं डिफेम नहीं कर रहा, तो ओनरशिप रिव्यू हमने बाइक की है, कैसे लगा। और दूसरी बात, एक ओनरशिप वीडियो था पिक्सल बाइक के, जितने भी बताए वो पर्सनल एक्सपीरियंस था इनका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन बाय, और जय हिंद। और मैं सीन नहीं काट दूंगा, थैंक यू, शाउट आउट, शाउट आउट, शाउट आउट नहीं काटूंगा, ठीक है, थैंक यू भाई साहब, मिलते हैं 5000 देते।